उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कलेक्ट्रेट कार को खींच कर एक नया अनोखा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया। किसानों के विरोध प्रदर्शन में अपने कार्यकर्ताओं ने रस्सी से खिंचवाया, साथ ही रसोई गैस के कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार सरकार देश की महंगाई और आज स्थिति पद से सरकार को घरे हुए कीमतों को वापस लेना चाहिए, वरना समाजवादी पार्टी नारेबाजी आज समाजवादी युवजन सभा के सभी नौजवान महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा वृद्धि के दामों में बेतहाशा वृद्धि के लिए हम अपना विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ताकि आज देखा होगा आपने, पेट्रोल 100 रुपये हो चुका है, डीजल 90 रुपये हो रहा है, गैस सिलेंडर 800 रुपये हो रहा है। अब जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो दैनिक उपयोग की सभी चीज़ों पे आज महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है और लोगों का किचन का बजट तक रसोई का बजट बढ़ चुका है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इस तरीके से नौजवान कहाँ जाए, और आज हम लोग अपना एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि डीजल क्या नाम है गाड़ी में हम खींच के लेकर जाएंगे, क्योंकि अपनी बचत करने के लिए। और जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने अंकुश लगाना वो कर रहा है, हम सरकार से मांग करेंगे कि इनके रेटों पर अंकुश लगाएं और जो बड़े हुए दाम है उनको तुरंत वापस लिया जाए। कहाँ से खींचते हुए हम यहाँ अम्बेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक लेकर जाएंगे।